तो फाइनली अभी गाइस टाइम हो चुका है 12:49 AM और आज का डेट हो गया गाइस 1 मई, लाइक इधर भी देख सकते हो गाइस 1 मई। और फिर जिसमें मैं करूंगा गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक तो ये मंगवाया मैंने चेंज करके और दूसरा मुझे ये पसंद आ गया था गाइस। और गाइस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सोच रहा हूँ पानी भर लेता हूँ क्योंकि उठना ना पड़े फिर बीच में, तो मैं गाइस पानी भर लेते हैं और कुछ खाने के लिए लेते गाइस, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है अभी क्योंकि मैं सिर्फ नाश्ता करके गया था और आने के बाद। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 3:02 PM और आज का डेट है गाइस 30 अप्रैल और आज पता क्या है, आज है संडे और नेक्स्ट संडे को है नीट एग्जाम। तो गाइस अब सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए नीट एग्जाम में, लाइक आज 30 है, आज संडे है, तो एग्जैक्ट नेक्स्ट संडे को हमारा नीट एग्जाम। तो अभी गाइस 3 बजे मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज था मेरा ATS और आज कोई व्लॉग नहीं है, मतलब आज 30 अप्रैल को कोई व्लॉग नहीं आया इसलिए क्योंकि मेरा ATS था और पिछले ATS में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए मैं पूरा सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था। बट इस बार पिछले बार से अच्छा गया ATS, तो आई होप नेक्स्ट ATS में मतलब आज जो देखे हैं उसमें अच्छे मार्क्स हैं। तो अभी गाइस मैं जस्ट फेस वॉश करके आया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ और अब करूँगा पढ़ाई स्टार्ट। पहले इसको रखते हैं साइड। और गाइस अब मेरे 11th का सिर्फ 2 यूनिट रह गया है, एक प्लांट फिजियो और एक ह्यूमन फिजियो। तो वैसे चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा, बट अभी जो मैंने स्टार्ट किया था रिविजन, लाइक 10 यूनिट अच्छे से रिवाइज करने का 10 दिन में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट रह गए, एक प्लांट फिजियो एक ह्यूमन फिजियो। तो अभी मैं करूंगा ह्यूमन फिजियो, थोड़ा लंबा चैप्टर है बट मैं अच्छे से ह्यूमन फिजियो कवर हो चुका है। और कहीं ना कहीं मेरा 11th का फेवरेट यूनिट भी ह्यूमन फिजियो, तो उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं सबसे पहले करूंगा ह्यूमन फिजियो, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री करूंगा टाइम रहे तो, या फिर कल करूंगा केमिस्ट्री क्योंकि अभी 3 मई स्टार्ट करूँ पढ़ाई, देखता हूँ कब तक करूँ कब तक नहीं। अभी गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पढ़ाई करनी है। ओके तो ये रहा गाइस मेरा नोट्स और ये रहा मेरा NCERT का बुक, बट ये तो 12th का यार, चलो इसको रखते साइड, अब 11th का चाहिए हमें तो इसको हटा देते हैं अभी। ये रहा नोट्स मेरा, तो ये रहा गाइस 11th का NCERT, तो इसको ले चलते हैं अभी, वो 12th का था ना। तो अभी गाइस हमारे पास हो गया NCERT नोट्स लैपटॉप। इन लोगों गाइस पता नहीं है कि मैं किससे कर रहा हूँ वन शॉट नहीं कंप्लीट, मैं कर रहा हूँ विपिन शर्मा सर के लेक्चर से, मैं हर दिन उनका ही वन शॉट देख रहा हूँ अभी, तो अभी फिर से मैं उनकी करूँगा वन शॉट से अपना ये यूनिट कंप्लीट। और गाइस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सोच रहा हूँ पानी भर लेता हूँ क्योंकि उठना ना पड़े फिर बीच में, तो भाई गाइस पानी भर लेते हैं और कुछ खाने के लिए ले लेते गाइस, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है अभी क्योंकि मैं सिर्फ नाश्ता करके गया था और आने के बाद कुछ भी नहीं खाया हूँ, तो अभी कुछ रख लेते साथ में करने के नाश्ता और भर लेते पानी, तो फटाफट करते सब चीज़ और उसके बाद बैठते गाइस पढ़ाई करने। ठीक है पानी के बाद मैंने काटा तरबूज, पढ़ाई के साथ साथ खाऊंगा इसको तो एनर्जी भी मिलती रहेगी और पढ़ते भी रहूँगा। और गाइस दिल्ली का मौसम बहुत ही ख़राब है, ख़राब नहीं बस बहुत प्यारा है, बट धूप नहीं आ रहा गाइस, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए तो लाइटिंग नहीं मिल रहा है, बट स्टिल बहुत ही प्यारा मौसम है, गर्मी भी उतनी नहीं है, तो कोई नहीं अब फटाफट लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। ये रहे गाइस अपने विपिन शर्मा सर और ये उनका कुछ लेक्चर्स वगैरह है, बट अभी हमने करना है ह्यूमन फिजियो इन वन शॉट। और गाइस ये पता है कितने देर का है, ये देखो गाइस ये 6 घंटे 2 मिनट का है, तो अभी कोशिश करते हैं कि वन शॉट में कंप्लीट करते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के। ओके गाइस तो मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद। अब गाइस टाइम हो चुका है 7:35 ओके गाइस तो अब टाइम हो चुका है 7:35 PM 36 हो गया गाइस और मेरा अभी
बायो का स्लॉट जो है कम्प्लीट, तो मैंने अभी कर लिया गाइस इतना ह्यूमन फिजियो का फुल अच्छे से लेक्चर कम्प्लीट। गाइस मैंने बहुत फास्ट लेक्चर देखा है इसलिए मैंने कम्प्लीट भी हो गया है। और अब गाइस मैं करूंगा थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब 7:30 हो रहा अभी, 8 बजे तक करूंगा रिलैक्स आधे घंटे का, फैमिली से बात भी कर लूंगा मम्मी पापा से। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स, फिर करेंगे इस चैप्टर का मतलब इस यूनिट का क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से। तो अभी करते रिलैक्स, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अब गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 8:03, अभी मेरा रिलैक्स हो चुका है खत्म और अब मैं करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज करूंगा मेमोनिटी एप्लीकेशन का, बट अभी ये लैपटॉप में, बट मैं यूज करूंगा फोन में क्योंकि फोन से मुझे थोड़ा इजी होता है यूज करना। तो अभी लेते हैं फोन और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट। तो फाइनली गाइस मैंने मेमोरी ऐप खोल लिया अपने फोन में और अब मैं करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। वैसे मैं बहुत बारी आप लोगों को बता चुका हूं इस ऐप के बारे में, बट जो लोग नहीं जानते इस ऐप के बारे में उनको मैं बताता हूं, या फिर जो लोग अभी नीट 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे उन लोग के लिए भी इस ऐप के बारे में जाना बहुत जरूरी गाइस। तो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि इसमें से 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नीट में आ चुके गाइस, मतलब इस ऐप में इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 समझ रहे हो नीट में आ चुका गाइस। और ये देखो आप, इसमें अराउंड 3000 से भी ज्यादा असेसमेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जैक्ट, जैसे हमारे पिछले बार नीट में आया था एग्जैक्ट सेम उस पैटर्न से, इसमें अराउंड 3000 से भी ज्यादा असेसमेंट रीजन क्वेश्चंस, हर चैप्टर से अराउंड 50 से 100 क्वेश्चंस इसके अंदर है। उसके अलावा आपको मिलेगा इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो हमें चाहिए। तो अभी मैंने किया बायोलॉजी, तो इसके अंदर है सारे चैप्टर्स हमारे, उसके अंदर हमें मिलेगा ह्यूमन फिजियो, ह्यूमन फिजियो में हमारे टॉपिक्स वगैरह हैं, लाइक इतने चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियो के अंदर। तो अभी मैंने सारा करा है, तो मैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फटाफट करूंगा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ फिजिक्स में इसके अंदर, अभी मैं गया फिजिक्स पे, लाइक मैं बायो को बात करूंगा फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमें देखा क्लास 11th के लेक्चर्स वीडियो, 12th के भी, 11th के PYQs विद वीडियो एंड PYQs बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं, लाइक इतनी सारी चीजें। एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में मैं भी गया, ठीक है। तो इसमें सेट 1, सेट 2, इतने सारे सेट है, इतने सारे सेट, अराउंड 48 सेट है इसमें इस चैप्टर के। बट मैं एज एन एग्जांपल मैं आपको अभी किसी सेट में गया, ठीक है, इसमें मैं कोई भी आंसर ऐसे रैंडम चूज करता हूँ और अगर ये रॉन्ग हो गया कोइंसिडेंटली गाइस सही हो गया, बट चलो हटाओ इसको, बट अगर मैं कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करता हूँ या आप अगेन गाइस सही हो गया क्वेश्चन, मतलब यार ऐसे नीट होना चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करो ऑटोमेटिक सही हो जाए। तो गाइस ऐसे रैंडम चूज करते कोई कोई क्वेश्चन, चलो ये रॉन्ग हो जाए कम से कम, यार ये भी सही भाई, मतलब तीनों क्वेश्चन मैंने ऐसे रैंडम चूज करा तीनों सही हो गया, वाह भाई वाह। अब गलत हो जाए प्लीज, चलो सेट 6 खत्म भी हो गया, अब आते हैं सेट 7 में, भाई अब रॉन्ग हो जाए प्लीज, चलो रॉन्ग हो गया। तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करा, ठीक है। तो इसका आपको मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब आपने कोई PYQ उसमें क्वेश्चन गलत भी करा और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सॉल्व करूँ उसको, तो उसका आपको डायरेक्टली इस ऐप में ही आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल गया गाइज। मतलब इस ऐप के अंदर आपको जितनी ज़रूरत की चीज़ें आपके नीट के लिए वो सारा इसमें कूट कूट के भर दिया गाइस। तो गाइस जल्दी जाके आप चेकआउट करो इस एप्लीकेशन को, मैंने लिंक डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, इससे आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट। तो मेरा कूपन कोड है गाइस SHOBHIT शोबित, तो ये कूपन कोड डालना मत भूलना गाइस। तो जल्दी से करो इसे आपको एनरोल और कर दो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट अपनी। तो गाइस मैं भी आ रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इस एप्लीकेशन से, तो मिलता हूं गाइस इस स्लॉट के बाद। मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ह्यूमन फिजिक्स का हो चुका कंप्लीट, और ये चेक करो गाइस मेरे पीछे कौन बैठा है, कौन है भाई तू प्लीज है? कौन हूं भाई मैं, कौन है तू, तू बताएगा गाइस ये अपना नाम भूल चुका है, कौन है, कपड़े कहां है, मैं कपड़े कहां है फटाफटला, कपड़े कहां है भाई मेरे, कौन से कपड़े गाइस। मैंने आई से कहा था कि लाइक मेरा एक ना हुडी चे, मतलब एक मेरा टी शर्ट बहुत ही छोटा हो गया था, स्मॉल से आ गया था हम लोग की गलती से, तो आई यूज गया था अपने घर, तो मैंने कहा था भाई CP से चेंज कर दे ले आइयो, और मुझे एक और शर्ट काफी पसंद आ गया था, तो वो भी मैंने कहा था इसको लेते आने के लिए, लाया कि नहीं लाया है भाई, लाया लीला लाया है, चेंज कराया उसको, हाँ पक्का देख ले वो ग्रीन वाला भी देख ले, ओके ब्रदर ओके। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है, मतलब मैंने क्या चेंज कर मंगवाया है, एक तो ये मंगवाया मैंने चेंज करके, और गाइस दूसरी चीज है ये चेक करो ये कितनी क्यूट स्वेटर मैंने मंगवाया गाइस, ये देखना आप, ये देखो ये बहुत ही प्यारा स्वेटर है गाइस, बहुत ही प्यारा,
मेरी खत्म कुछ चीज़ अभी ये चेक करो गाइस, ये कैसा लगा आप कमेंट बताओ गाइस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट टी शर्ट है ना, आप कमेंट बताना ठीक है। और ये टी शर्ट गाइस बहुत ही प्यारा है, लाइक ये तो मैंने उस टाइम नहीं लिया था, अभी मैंने सिर्फ साइज का एक्सचेंज कराया है। और गाइस पता है आपको, ये टी शर्ट ना एक किसी ने एक्टर ने अभी लिया है, मतलब पहना उसने, मैंने यूट्यूब पे देखा था। अब गाइस इसको रखते हैं हम लोग साइड, इसको मोड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस अब इसको रख देते हैं साइड और हम लोग करते हैं फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट ठीक है। ये चेक करो गाइस कितनी सारी कपड़े, मतलब कितने सारे झोले हो गए मेरे पास। तो ये भी अब झोला, इतने सारे कपड़े और इतने बिखरे हुए सब कुछ, मुझे अरेंज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा नीट में। तो कोई नहीं गाइस, मैं इसको कर लूंगा अरेंज नीट के बाद। तो अब गाइस आयुष जा चुका अपने पीजी, अब मैं करूंगा फिजिक्स। तो उससे पहले कर लेते हैं हम लोग रात का खाना, क्योंकि खाना भी आ चुका है गाइस। और आज खाने में है चावल, रोटी और ये गाइस आई थिंक कोफ्ता है, इसको कोफ्ता कहते हैं गाइस। और ये दाल, दाल चावल के लिए और रोटी कोफ्ता के लिए। तो अभी खाते गाइस, फिर मिलते हैं आपसे ठीक है। 2000 years later। तो फाइनली गाइस अब मेरा डिनर भी हो चुका है और डिनर आज का बहुत टेस्टी था गाइस। और आप गाइस देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी, मतलब डलनेस आ गई, ना मैं अपने फेस का केयर कर पा रहा हूं, ना अपने बालों का केयर कर पा रहा हूं। बट क्योंकि अभी नीट में बहुत ही कम टाइम रह जाएगा इसलिए ध्यान ही नहीं जा रहा उस पर, ध्यान मतलब क्या करनी था ही केयर, कल से करेंगे तो इस पर भी केयर। यार बहुत अजीब हो गया, मेरे फेस डार्क सर्कल भी आ गया गाइस बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं क्या कर सकते। तो अभी करते गाइस फिजिक्स स्टार्ट, फिर मिलते हैं आपसे इस लौट के बाद। और फिजिक्स में मैं करूँगा गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी करते गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट, फिर मिलते हैं आपसे ठीक है। फाइनली अभी गाइस टाइम हो चुका है 12:49 AM और आज का डेट हो गया गाइस 1 मई। गाइस अब मई ऐड हो चुका है हमारे कैलेंडर में, लाइक इधर भी देख सकते हो आप गाइस 1 मई। अब थोड़ा हार्ट बीट फास्ट हो गया मेरा, बट कोई नहीं, अभी रिलैक्स होकर सोना है। तो अभी गाइस फाइनली मैंने कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट और अब जाऊंगा मैं सोने। तो प्लान में करता हूं कि एंड आई होप ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किया मत जाना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।